guys, welcome to my Packed Gaming 8 channel. And do not forget to like and subscribe. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. अगर तुम नहीं पहुँचते ना आज मेरी बिरयानी हो जाती यार. थैंक यू यार. चलो चलो ये सारी बातें छोड़ो. चलो उठो, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से. वैसे काजिर और ट्रेवर का है? या माइकल भाई, काजिर को गोली लग गई थी. क्या बात कर रहे हो जी? ट्रेवर काजिर को हॉस्पिटल लेके गया था. अब तक तो वो पहुँच भी गए होंगे. ये फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तुम्हें आ रही है जी? माइकल भाई, ड्राइवर भाई है. माइकल, माइकल जिमी, गाड़ी में बैठना. मानी तू भी आ गया? हाँ ड्राइवर भाई, टेंशन नहीं लो इनकी तो. अबे शुक्र है यार, तुझे कुछ नहीं हुआ. मानी कादिर का ड्राइवर भाई. अबे यार कादिर बेहोश हो गया. नहीं करो. हाँ यार, उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया. तुम्हें भी चोट आई है मानी? मुझे इतनी नहीं आई माइकल भाई, मुझे सिर्फ पाँव पे लगी है बस, हल्की सी. उसको गोली लगी है, वो बेहोश हो गया है. उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है. अब बस अल्लाह रहम करे उसको कुछ ना हो. नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा. बस तुम दुआ करो, कुछ नहीं होगा. हाँ माइकल भाई, बस यार कादिर तुझे कुछ ना हो यार. हाँ यार, बस अल्लाह करे. अबे जल्दी चला लो ट्रेवर भाई. अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद कर सब ठीक होंगे. अबे भाई, कल के एपिसोड में, बल्कि दो दिन पहले के एपिसोड में तुमने देखा होगा यार, हम लोग जो है माइकल के बेटे को बचाने गए थे, जिमी को. यार वहाँ पे ठीक ठाक हमारी जो लड़ाई हुई यार, हम तो सेफ थे. लेकिन तुम लोग ने देखा होगा यार, कादिर को जो है पाँव में गोली लग गई थी. लेकिन चलो इतना डैमेज नहीं हुआ, गोली इसको छू के गुजरी थी तो इतना ज़्यादा नहीं लगा. लेकिन दो दिन लड़का जो है हॉस्पिटल में था यार, और अभी जो है आज ही उसको छुट्टी मिली है, आज ही घर शिफ्ट किया उसको. तो अभी मैं जो है उसको छोड़ के फिर यहाँ पे घर पे आया भाई, फुल नहा धो के जो है ना कपड़े मैंने चेंज किए. दो दिन से भाई वही कपड़े पहने थे. मुझे भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन अब ठीक है यार, मेरा तो चलो ठीक है. लेकिन कादिर जो है ना, उसको भी टांग पर लगी हुई है बड़ी गंदी. तो अभी उसी के पास ही चलते हैं. और यार कसम से ये देखो यार, जिसको मैंने फुल दिल से बनाया था उसकी क्या हालत हो गई. ये देखो यार पूरा, ये देखो बम्पर पे डेंट आया हुआ है, ये शीशे पे गोली लगी थी, ये देखो साइड, ये मडगार्ड भी देखो इसका, और ये देख लो ये पिछली विंडो भी टूट गई दरवाजे की. ये पीछे भी देखो भाई गोली लगी है, उस साइड की भी विंडो टूटी हुई है. और भाई वो साइड तो पूरी जो है ना गोलियों से भरी हुई है. मैंने भी अंदर का कड़ी की है. ये देखो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा तुम लोगों को, देख रहे हो? तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी ना तो जाके देखो यार. जैसे कि तीखे से पहले मीठा नहीं खाते, उसी तरीके से पुराना एपिसोड देखने से पहले नया एपिसोड नहीं देखते. तो अगर नहीं देखा ना, पहले जाके वो देखो, उसके बाद जो है आगे वाले एपिसोड देखो यार. सही हमारा पड्डा हो गया था, कादिर जो है फिर उसमें ज़ख्मी हो गया यार. उसको फिर हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए. फिर मैं अभी जो है छुट्टी मिली, मैं भी हॉस्पिटल में ही था. ड्राइवर भाई तो निकल गए थे, हॉस्पिटल में मैं ही था यार. शुक्र है लड़का बच गया यार, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी. चलो अभी यार रानी को स्टार्ट किया, अभी चलते हैं कादिर के पास. चलो भाई. अबे कसम से, एक तो यार यकीन मारो बड़ी गंदी फटी गई थी यार. लेकिन चलो शुक्र है निकल गए यार. कसम से जो लड़ाई हुई है ना हमारी यार, तुम लोग देखना यार. अगर तुम लोगों ने पुराना एपिसोड नहीं देखा ना, तुम लोग देखना यार ज़रूर. कसम से कादिर को तो टांग में गोली लग गई थी. मैं तो भाई फुल परेशान हो गया. मैंने बोला गया लड़का भाई, वहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे ना. हम लोग गए भाई माइकल भाई के बेटे को बचाने, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा. हम लोग वहाँ पे गए भाई, वहाँ पे पता चला कि उनके भी जो है ना पूरे आदमी फैले हुए. हम समझ रहे थे भाई कि हमारा जो है मिशन फुल सक्सेसफुली हो रहा है, मतलब ज़बरदस्त जा रहा है हमारा मिशन. तो भाई पता चला वहाँ पे, जैसे ही हमने एक्शन लिया, पीछे से भाई बंदे आ गए, पूरी नफरियाँ आ गई भाई उनकी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भाई. हम लोग लड़ रहे थे वहाँ पे, माइकल भाई तो निकल गए अपने बेटे को लेके यार. वहाँ पे ऐसा अजाब हो गया, वहीं पे लड़ते लड़ते यार कादिर ज़ख्मी हो गया, उसको टांग में गोली लग गई. वहाँ पे और भी बंदे थे, मैंने भाई ट्रेवर भाई को बोला तुम कादिर को लेके निकलो, समझ रहे हो ना, तुम्हारा भाई फुल हीरो. भाई मैंने अपनी जान, अबे तेरी साले देख के चला, मैंने जो है अपनी जान खतरे में डाल दी. मैंने बोला भाई इसको लेके निकलो. ड्राइवर भाई लेके निकले,
अबे 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 क्या हो गया? चलो खैर, ट्रेवर भाई उसको लेके निकले हैं भाई। मेरी ऐसी हालत, मैंने अब उशायरी तो कर ली, ट्रेवर भाई को भेज दिया, अब मैं अकेला वहाँ पे रह गया भाई। मैंने भाई फिर भी आपके भाई ने जो है ना पूरे बंदों को ख़त्म किया, उसके बाद पता नहीं कौन कंजर का बच्चा आ गया यार। भाई मेरे पास एमओ भी ख़त्म हो गए थे, मैं अभी भागने की कर रहा था, वो डायरेक्ट मेरे पीछे आ गया। उसने भाई जब मेरे पीछे फायर किया है ना, यकीन मानो अल्लाह की कसम, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बिरयानी हो गई, मुझे गोली लग गई है। बोल सुन, मैं भाई वहाँ से थोड़ी खाई मई बनी हुई थी ना, वहाँ से मैं नीचे गिरा डायरेक्ट। थोड़ी देर तो मुझे होश नहीं था, फिर जब मैंने अपने आप को चेक किया ना, फिर मुझे पता चला नहीं भाई मैं सेफ हूँ, मुझे कहीं भी गोली नहीं लगी। अबे भाई मेरे को लेकिन टांग वैसी गंदी लगी थी ना, उस टाइम मोच आ गई थी, मैं वहीं बैठा रह गया। मैं समझ रहा था मेरा पाँव गया, ज़ाया हो गया, लेकिन भाई मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, वो भाई सही मेरे ऊपर गन तान के खड़ा हुआ था। मैंने बोला चल भाई अभी हिल तो सकते नहीं है, आज बिरयानी हो गई हमारी। मैंने भी कलमा पढ़ा, आंखें बंद की है ना, डायरेक्ट फायर की आवाज़ आई, और भाई वो जो आदमी था पंजर का बच्चा, वो डायरेक्ट मैंने देखा आंखें खोलते हुए मेरे कदमों में। फिर भाई पीछे देखा तो भाई माइकल भाई, ओए ओए, यकीन मानो कसम से ऐसा खुश हुआ ना मैं, उस दिल से खुशी हो गई यार। अगर माइकल भाई सिर्फ 2 सेकंड और देर करते ना, मेरी बिरयानी हो जानी थी। बस यार बड़ा ख़तरनाक सीन था, खैर बच गए, माइकल भाई का बेटा भी सलामत है, खैरियत से वो, और भाई अपना दोस्त भी खैरियत से। बस टेंशन तो बड़ी हो गई थी, उसका भाई ड्राइवर भाई उसको लेके निकले, वहाँ पे पता चला भाई दोबारा फायरिंग हो गई, उन्होंने पुल जमा किया हुआ था, पूरा जाम किया हुआ था। उसका कादिर का इतना खून निकला भाई, वो तो बेहोश हो गया। हमारी वहीं से हालत टायर्ड, हमने बोला बस ये अल्लाह खैर करे। हेलो भाई, लड़के का घर भी आ गया, चलते अभी, बस खैर हो गई यार, बच गया वो भी। चलो भाई घर पे ही होना चाहिए, ये गानों की तो आवाज़ें आ रही है, मेरे ख्याल में अंदर ही है। अबे दरवाज़ा भी खुला हुआ है, चलो ये इधर ही बैठा होगा अपने स्टूडियो में, गानों की आवाज़ें आ रही है। अरे येरा, अस्सलाम वालेकुम लड़के। अरे मानी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कब आया तू? अभी अभी आया। हाँ भाई तू फुल सस्ता आशिक बना हुआ, गाने सुन रहा सेट सेट। अबे हाँ यार, अबे तो तुझे डॉक्टर ने मना नहीं किया था क्या? डॉक्टर ने बोला था ना रेस्ट करना है, फुल टांगे सीधी रखनी है। कैसी है तेरी टांग? अबे ठीक है यार, कितने देर तक बंदा लेटेगा? मैंने बोला थोड़ा स्टूडियो में चल लेते, गाने वाने चल लेते। अबे तो तूने टांग बिल्कुल एक जगह से फोल्ड कर रखी हुई है पागल, सीधी रखनी थी टांग। अबे सही है यार, अभी दर्द कम है वैसे भी। हाँ अबे कौन से गाने सुनता है तू सस्ता आशिक? तेरे को किसने धोखा दिया? तेरे को बच्ची मच्ची छोड़ के ये गाने चेंज कर यार, ये क्या सुनता है? अबे सही है यार, सुकून मिल रहा है, बोल ये गाने सुन लो यार। अबे चेंज कर भाई। अबे तू कौन सा लगाएगा? अबे मेरा फेवरेट गाना लगा पर। अबे तू मुझे पता है अभी कौन सा गाना लगाएगा, खबर कर, मैं अपना फेवरेट गाना लगाऊँ यार। ओए होए होए होए, अबे देखा मैंने बोला था, तू पता नहीं क्या सुनता है यार। एक तो यही तो है खतरनाक गाना ये, बोल भाई खतरनाक। अबे तू यार कसम से, ओए होए होए होए, चलो भाई अपन ही बैठते हैं। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, लड़के गाने तो ये हैं। अबे यहाँ पता नहीं क्या गंद सुनता है तू, अल्लाह की कसम। ओए चुप कर, मेरा फेवरेट गाना है बेटा। आया बोतल भी उठा लाया। अबे हाँ बात सुन यार। हाँ लड़के बोल। अबे काम तो कर यार। हाँ बोल यार, सो बोल। अबे तू राशन वगैरह तो लेके आ यार, अंडा ब्रेड वगैरह ख़त्म हुए हैं, और थोड़ा वो सामान वगैरह तो लेके आ जा यार। हाँ अंडा ब्रेड लाने? हाँ यार ख़त्म हो गए सुबह के नाश्ते के लिए ना, तो ले आ यार। हाँ चलो मैं ले आऊँगा। वैसे तू एक बात बता। हाँ क्या? तूने चाचा को बताया? अबे चुप हो जा, इधर ही उड़ा दूंगा तेरे को। साले उनको नहीं बताइयो? अबे तो साले जब वो आएंगे तो उनको पता तो चलेगा ना, इसी बातें कर रहे। तूने बताया नहीं अभी तक उनको? अबे नहीं, ये पागल वागल हो गया है क्या? उनको बताऊंगा भाई, वो पहले ही मुझे इतनी गालियाँ देंगे और ऊपर से यहाँ पे चमाटे मारेंगे मेरे को। अबे तो भाई वैसे भी उनको पता तो चलेगा, घर नहीं आएंगे क्या वो? हाँ घर तो आएंगे, लेकिन फिर भी यार। अबे फिर भी देख ले भाई। हाँ तू साले, मेरे को लग रहा है कि तू सनाउल्लाह का पोता बना होगा। हाँ मैंने क्या किया साले? तूने मुँह तो नहीं खोल दिया?
साले मुझे लग रहा है तूने सब कुछ उगल दिया है अब्बू के सामने। अबे नहीं यार, कुछ भी नहीं किया मैंने यार, अगर मैंने किया होता तो मैं तेरे से पूछता। अबे हाँ साले, गलती से भी नहीं बताई उनको, बस वो आएंगे 3-4 दिन बाद जो है मैं खुद ही उनको बता दूंगा, अभी तो काम से गए हुए इसलिए। मुझे तो लग रहा है भाई तूने कुछ ना कुछ आरामी बन किया है। अबे क्यों पागल हो गया है, मैं क्यों बोलूँगा चाचा को। हाँ भाई चल लड़के, फिर मैं सामान लेके आता हूँ। सही है फिर। अबे तो बैठ ना, अभी तो बैठ, अभी कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ सामान लेने जा रहा है, बाद में जाइयो। अबे अभी जा रहा हूँ यार, सामान वामान भी लेके आता हूँ और कुछ जो है ना खाने पीने के लिए भी लेके आता हूँ। आज फिर रात में जो है फिल्म विलम देखेंगे कैसा। हाँ चलिए तो अच्छा हो गया, रह रहे तू तू बता। हाँ रह जा यार, आज ही रात मेरे साथ गुजार ले, अच्छा है यार, कंपनी मिल जाएगी। हाँ चल लड़के कोई बात नहीं, सही है फिर, मैं फिर आता हूँ यार, सामान वामान लेके आता हूँ। चल सही है फिर, मैं आता हूँ, खाने पीने की चीज़ें भी लाता हूँ और कुछ जो है बल्कि वो भी अंडा ब्रेड वगैरह खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। फिर रात को फुल महफिल बनाएंगे और जो है भाई हीरो पंथी देखेंगे आज कैसा। हाँ चल सही है। हाँ सही है फिर, तू बना रहे सस्ता आशिक, सुन लियो गाने में जा रहा हूँ। हाँ चल लड़के एक और बात। हाँ बोल यार। यानी पेट्रोल के पैसे दे दे यार। अबे कभी तो तू अपना पेट्रोल डलवा लिया कर। अबे यार यकीन मान भाई की टंकी फुल सूखी हुई है। हाँ तो यहाँ तक कैसे आया साले। अबे लेटा लेटा के आया हूँ यार, फुल सूखी हुई है ना, मैं जो है अपना जो यार पैसे थोड़े बहुत घर भूल गया यार। हाँ तो अभी सामान कैसे लेके आता। नहीं सामान के तो पैसे पड़े हैं ना। हाँ तेरे को साले वही नाजिल हुई थी ना कि सामान वामान लाना है, तूने उसी हिसाब से अपने जेब में पैसे रखे। हाँ अबे ये पेट्रोल के पैसे थे ना, अब तेरा सामान हो गया तो मैं सामान ले गया, वरना मैं पेट्रोल डलवाता यार, समझा कर यार। अबे यार ले 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 भाई ले ले तू। हाँ दे यार, कुछ भी हो जाए भाई, इस मुल्क से पूरी करप्शन ख़त्म हो जाए, ये हुक्मरान अपने आप में तस्बियाँ पकड़ ले, लेकिन भाई तेरा ये पेट्रोल का रोना गाना कभी ख़त्म नहीं होगा। अबे दे दे यार इतना भी क्या। हाँ ले ले भाई ये ले। हाँ भाई दे दे यार। चल यार ये 200 का बंटू हुआ है यार, 500 तो दे। ले यार ले पकड़ 500। हाँ थैंक यू यार थैंक यू। बस बाकी राशन माशन का मैं कर लूँगा, टेंशन नहीं ले। हाँ चलो भाई चलो भाई, पेट्रोल तो आ गया और थोड़े बहुत राशन के पैसे ले लिए। अबे यार पैसे की पहली शादी चल रही है यार, यकीन मानो महंगाई इतनी है भाई। चलो यार अभी जल्दी निकलते हैं फिर अपन, सामान वामान लेके आते हैं। बोल चल मेरा भाई। ओए होए होए ये चिड़ी बाबा चिड़ी बाबा, मैं तो बड़े दिनों बाद अपनी रानी को निकाला है मैंने यार, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है ना यार, बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। तो चलते हैं यार, ये राशन वाशन भी लेके आए और अपना खाने पीने का भी सामान लाते हैं, ताकि फुल भाई रात को फिल्में विल्में देखेंगे, फुल इंजॉय, फुल मज़ा आएगा। आज देखेंगे छोटी बच्चे हो क्या, हीरो पंची देखेंगे यार, फुल तीसरे में तुम चौथे में गुम पोए हो। चल मेरा भाई पहुँच गए दुकान पे, ये दुकान है, यही चीज जो सामान वामान पकड़ते हैं फुल अपना और पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं भाई यहाँ से ही। चलो भाई पेट्रोल डलवाते हैं यार अभी। चल मेरा भाई पेट्रोल का भी सीन हो गया अपना, अभी चलते हैं यार इधर सामान वामान ले गया। चल मेरा भाई होए 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 जाने मेरे जाने भाई पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। हाल है जनाब जी सर, क्या चाहिए। हाँ यार एक बड़ी स्लाइस दे दो, 6 अंडे कर दो और एक ये यार जंबो बोतल कर दो, और ये क्या है। हाँ अरे वाह ये तो पेस्ट्री है, नहीं इसको क्या बोलते हैं ये, डोनट डोनट हाँ डोनट। हाँ भाई ये भी कर दो, कितने कितने के। ये 100 रुपये का एक, नहीं नहीं छोड़ दो फिर, 100 रुपये का एक। अबे 20-20 रुपये के लेते थे ये हम, 100 रुपये का यार कोई खुदा का खौफ करो। अबे तो भाई यार इतने के ही होते हैं ये। अबे छोड़ो भाई 100 रुपये का एक, 20 रुपये का होता है ये, 100 रुपये कोई खुदा का खौफ करो। छोड़ो भाई तुम ये मेरा सामान बांधो जो मैंने किया है। हाँ अंडा क्या हिसाब चल रहा है वैसे।
25 रुपए का। अल्लाह माफ करे, कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारा। अरे भाई लेना है नहीं है, सीधी बात करो। हाँ लेना है, लेना है भाई, छोड़ो तुम, बांधो जल्दी यार, मेरा सामान मेरे को जाना है, देर हो रही है। हाँ भाई इस बार दोबारा इन्होंने मुझे चकमा दे दिया। माइकल मुझे चकमा दे के निकल गया। माइकल इस बार मैंने फुल पक्की टीम बनाई है अपनी, इस बार मैंने ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं ना कि अब तू नहीं बचेगा मेरे से। और ये जितने भी तेरे चेले थे ना, जितने तू अपने साथ लाया था, इस बार तो मैंने गलती की। मैंने तुझे बुलाया लेकिन मुझे नहीं पता था तू पूरी फील्डिंग के साथ आया है। लेकिन फिर भी मेरे आदमियों ने तेरा गेम तो बजा दिया था, लेकिन इस बार अब मैं खेल खेलूँगा तेरे साथ। अब तू देख मेरे साथ करता क्यों। ये मैंने फुल अपने बंदे रखे हुए नहीं, अभी तो ये सिर्फ कुछ हैं, चंद बंदे ही हैं, ये भी कुछ भी नहीं है। और तो नफरी मैंने बनाई हुई है, जगह जगह फैलाई हुई है मैंने। ये देखो, शाबाश लड़कों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। तुम लोगों को जो है माइकल को कच्चा चबाना है। ये मेरे लड़के लगे हैं, निशानेबाजी करनी है। हाँ शाबाश, ऐसे ही निशानेबाजी करते रहो। तुम लोगों को भी माइकल का सर भी खोलना है, वो ला के सामने खड़ा करूंगा इस बोर्ड की जगह। उसके सर पे गोलियां मारना, वहाँ उस पर प्रैक्टिस करना। जब तक उसका जिस्म खुल नहीं जाता ना, तब तक करते रहना। अब माइकल मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया, बहुत तेरे साथ जो है मैंने खेल खेल लिया और तूने मेरे साथ। अब सीधी सीधी जंग होगी, अब समझ रहा है, सीधी सीधी अब जंग होगी। ये तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी तो टीम तैयार करनी है मुझे। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। तेरा पूरा घर, खानदान, तेरे जितने भी चेले चमचे, जितने भी तू अपने साथ लाया था, सब खत्म करूँगा। अब तू देखता जा खतरी करता क्या है। अब एक ही बार जंग होगी खतरनाक वाली, अब या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं रहूँगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब तू देख माइकल, मैं तेरी नस्लें बर्बाद करूँगा। ये मेरे जितने भी बंदे हैं ना, सारे तुझे खोलेंगे। अभी तो सबर, तुम लोगों को रेट दिखाता हूँ अपना, जो मैंने गनों में मंगवाया है। ये देखो, ये पूरे असले मसले मैंने मंगवाए हैं, इन असलों से ही जो है मैं माइकल को खोलूँगा। इधर लेके आके इधर इधर बांध के साले के जिसम में मैं छेद करूँगा, छेद कर दूँगा, बड़े बड़े सुराख कर दूँगा उसके जिसम में। देखता जा माइकल, अब तू देखता जा, देखता जा अब तू तेरे साथ करता क्या। मेरे साथ गेम खेली तूने, दो बार गेम खेली तूने मेरे साथ, लेकिन इस बार नहीं होने दूंगा। अब तेरा चक्कर खत्म हो के रहेगा, देखता रहे तू। अभी चलते हैं, अपनी दूसरी फील्डिंग देखता हूँ, दूसरे जो बंदे मैंने रखे हुए थे, अब उनका हाल अहवाल लेके आते हैं। यहाँ में तो सब कुछ सेट है, फुल ट्रेनिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, मेरे लड़के फुल खड़े हुए, अब बस इनको इशारा करना है, ये लोग डायरेक्ट जो है जंग करना शुरू। देख माइकल, अब मैं तेरे अंदर घुस के फटूंगा, चलो। अब नहीं बचेगा माइकल, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। एक एक से बदला लूंगा, मेरे सारे चमचे, मेरा पूरा घर तबाह कर दूंगा मैं, देखता या तू। अब नहीं छोड़ूंगा, अब या तो ये जिंदा रहेगा या तो मैं, दोनों में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। अब गेम नहीं, अब सीधा जंग होगी। और माइकल, तेरा जहां पे घर है ना, वही भी तेरी कब्र खोदूंगा, तेरे घर वालों के सामने तुझे दफनाऊंगा उधर, और फिर उसके बाद तेरे घर वालों को चुन चुन के मारूंगा, मजे ले लेके मारूंगा उसको, देखता है या तू। इस बार मैंने तुझे छोड़ के गलती की, तेरे बेटे को भी उधर ठोक देना चाहिए था, और जब तू मुझे मिला था ना, तुझे भी उसी टाइम उधर ठोक देना चाहिए था, उसके बाद तेरी प्रॉपर्टी में मैं पूरा कब्जा करता, लेकिन नहीं ना, इज्जत तो तुझे राज नहीं आनी। तो वो देख, अब जैसा तूने किया अब तू वैसे ही भरेगा, देखता जब तू मेरे साथ क्या करता हूँ।